राजस्थान चित्तौड़गढ़ में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य संचालित की जा रही राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत मेधावी 41 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया। वहीं धरोहर संरक्षण एवं पदोन्नति प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य संचालित की जा रही इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत 41 बालिकाओं को स्कूटी का वितरण किया गया। वहीं बालिकाओं के खाते में 1 लाख की राशि भी स्थानांतरित की गई। उन्होंने बताया कि बालिकाओं में अधिकांश बालिका सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है कि सरकारी विद्यालयों में भी बालिकाएं अच्छे प्रतिशत अंक प्राप्त कर रही हैं। इस दौरान सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने सभी बालिकाओं को शुभकामना देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, डीओ प्रियदर्शनी शर्मा, सीडीओ गुणवेश्वर भट्ट उपस्थित रहे। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का हार्दिक आभार कि इंदिरा जी के नाम से, जो हमारे देश की बहुत ही सशक्त प्रधानमंत्री रहीं, 17 साल तक उन्होंने देश को नेतृत्व दिया, देश की आज़ादी के साथ साथ ही उनका जीवन शुरू हुआ, उनके नाम से बच्चियों बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने पिछले कार्यकाल में 8 से 13 कार्यकाल में एक नया नवाचार के रूप में एक प्रयोग उन्होंने किया। गार्गी पुरस्कार मिलता ही है, लेकिन एक बहुत बड़ा पुरस्कार उन्होंने इंदिरा जी के नाम पे शुरू किया। आज खुशी है कि आज उनको स्कूटी भी दी गई है और 1 लाख रुपए उनके बैंक खाते के अंदर भी ट्रांसफ़र कराया गया है। मैं मुख्यमंत्री जी की सोच को कि बालिका पढ़ो, बालिका एक घर को नहीं 2 घरों को रोशन करती है, उसी को ध्यान में रखते हुए बालिका प्रोत्साहन के लिए आज जिन बच्चियों को पुरस्कार मिला है वो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों के अंदर जो पढ़ी हुई बालिकाएँ हैं। इससे हमारा जो शिक्षा का स्तर है, जो सरकारी स्कूलों का स्तर है, वो हमको नज़र आता है। प्राइवेट भी हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों की संख्या उसमें ज़्यादा है। और इसमें हर तबका, हमारे भील समाज भी है, मीणा समाज भी है, अनुसूचित जाति समाज भी है, उसमें OBC समाज भी है, उसमें सामान्य वर्ग भी है, और अल्पसंख्यक समाज भी है। हर वर्ग की बालिका, क्योंकि प्रतिभाओं की कमी किसी भी समाज में, किसी वर्ग में कमी नहीं है। सरस्वती सब में विद्यमान है, समय पे उसका उपयोग हो, ये एक आवश्यक है। इसलिए मैं उन सभी गुरुजनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा जिन्होंने बच्चों की प्रतिभा पहचान करके पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित किया, और परिवारजनों को भी, उनके उन्होंने बच्चियों को स्कूल के लिए लगातार प्रेरित करते रहे, अच्छा वातावरण उन्होंने दिया।